नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। ईडी का केस देखते ही ना जाने जजों को क्या हो जाता है, ऐसा लगता है कि उनके हाथ पांव कांपने लगते हैं। लिहाजा अब एक जज कुछ ऐसी हरकत कर गए जिसके बाद उन्हें ही नोटिस थमा दिया गया है। ट्रायल कोर्ट के जजों की हालत इस वक्त तो और बुरी लगती है, क्योंकि यह रिपोर्ट तो पहले ही सामने आ चुकी है। एक जज ने खुले तौर पर यह स्वीकार कर लिया था कि जाने दो ईडी के केस में कौन सी जमानत ही मिल जाती है। मतलब ईडी का केस है तो पूर्वाग्रह से ग्रसित ऐसे जज क्या ही फैसला कर पाएंगे। और इस बार इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक धाकर जस्टिस ने जज को नोटिस भेजा है और कहा है कि आप बताएं कि आप किस मानसिकता से आदेश पारित करते हैं और कैसे ईडी से जुड़ा केस देखते ही एक आरोपी की याचिका को यूं ही आपने खारिज कर दिया था। उसमें जो मांग की गई थी उसकी मांग जायज थी, फिर भी आपने ऐसी हरकत क्यों की? क्योंकि इसी जज ने कुछ ही समय पहले ठीक ऐसी ही मांग वाली याचिका को एक्सेप्ट किया था, लेकिन इस व्यक्ति के केस को देखते ही इन्होंने उसे खारिज कर दिया। वजह क्या रही, यह वजह अब हाईकोर्ट जानना चाहता है। पूरा मामला इस वक्त हम आपको बता देते हैं। दरअसल यह खेल ही बेहद दिलचस्प है। जो जिला जज होते हैं उनकी हरकतों को लेकर अब यहाँ सवाल खड़ा हुआ है। कहा जा रहा है कि एक महत्वपूर्ण निर्णय में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को समान मामलों में विरोधाभासी आदेश पारित करने के लिए मजिस्ट्रेट से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया है। न्यायालय का यह निर्णय मोहम्मद साकिब खान बनाम प्रवर्तन निदेशालय ईडी धारा 482 संख्या 6051/2024 के तहत आवेदन के मामले में दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए आया है। विरोधाभासी आदेश का मतलब आप समझ चुके हैं, मतलब इस जज के पास आइडेंटिकली दो केस आए। अब ऐसे इस केस को देखते ही उन्हें तो अपने विवेक का सही इस्तेमाल करते हुए उस आरोपित को भी राहत देने की जरूरत महसूस करनी चाहिए थी, लेकिन इन जज साहब ने ऐसी हरकत की कि बस ईडी का नाम लगा हुआ था बनाम प्रवर्तन निदेशालय, शायद ये घबरा गए होंगे। अब देखिए आगे यहाँ हुआ क्या है। कहा जा रहा है कि इस मामले की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने निचली अदालत के 24 जून 2024 के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें आवेदक की धारा 317 सीआरपीसी के तहत व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की याचिका को खारिज कर दिया गया था। मतलब अब उस ट्रायल कोर्ट के आदेश को, उस जज साहब मजिस्ट्रेट साहब के आदेश को रद्द किया गया, क्योंकि जो आरोपित थे उन्होंने कहा था कि मुझे व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट चाहिए, क्योंकि वो जब आते हैं जहां से उन्हें आकर यहां पेशी देनी थी 2500 किलोमीटर का डिस्टेंस था। अब वो होटल में रुक करके तो बार बार पेशी के लिए नहीं आते। जो उनकी समस्या थी उसमें तो यह भी कहा गया कि ईडी ने बस बिना किसी शिकायत के ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और जिसके बाद यह बवाल मचा था। यहाँ कहा जा रहा है यह मामला प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा अक्टूबर 2023 में मोहम्मद साकिब खान के खिलाफ दायर प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट ईसीआईआर के इर्द गिर्द घूमता है। बेंगलुरु के निवासी खान को लगभग 2500 किलोमीटर दूर लखनऊ की एक अदालत में पेश होने के लिए बुलाया गया था और उस वक्त उन्होंने यह आरोप लगाया कि जब हमारे खिलाफ शिकायत दर्ज भी नहीं हुई थी, तब हम एडवांस में आकर हम कह चुके थे कि अब जब भी अदालत हमें बुलाएगी हम आ जाएंगे, अगर कोई मामला मेरे ऊपर इस तरीके से ईडी बना रही है तो। अब यह जज के विवेक पर था। उस वक्त आरोपित ने कहा, हमने कहा था कि हम पेश होंगे लेकिन इसके विकल्प भी तो हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम 2500 किलोमीटर दूर रहते हैं, हमें आप सप्ताह सप्ताह बुलाएंगे तो क्या यह संभव है? ना ही आर्थिक दृष्टिकोण से, ना ही जो हम यात्रा करेंगे उस दृष्टिकोण से, तो इसको लेकर आप कोई बीच का रास्ता निकाल दीजिए, व्यक्तिगत पेशे से छूट दे दीजिए,
वहां के स्थानीय वकील होंगे, वो हो सकता है कि पेश हो जाए हमारे बदले, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन जज साहब टस से मस नहीं हो रहे थे। अब ईडी का खौफ ही इतना है देश में। हालांकि अब ईडी के इस खौफनाक पावर पर फिर से पुनर्विचार जो करने की बात हो रही है, बेंच गठित है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने विजय मदन लाल चौधरी की फाइल दोबारा खोल दी है और इस पर जस्टिस खन्ना, जस्टिस सुंदरेश और जस्टिस बेला त्रिवेदी को तय करना है कि उसमें जो अधिकार क्षेत्र हैं उसकी व्याख्या कैसे हो और ईडी पर लगाम कैसे लगाई जाए। खैर, यहाँ कहा जा रहा है ये जो इस मामले में कानूनी मुद्दे मुख्य रूप से क्या थे। पॉइंट नंबर वन में कहा गया है, व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के संबंध में सीआरपीसी की धारा 205 और 317 की व्याख्या और आवेदन। पॉइंट नंबर दो था, वह चरण जिस पर ऐसी छूट मांगी जा सकती है। तीसरा, छूट देने में मजिस्ट्रेट की विवेकाधीन शक्ति। अब इस पूरे मामले को देखने के बाद जस्टिस भाटिया ने क्या टिप्पणी की और कैसे आदेश जारी किया वो भी समझना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो निचले अदालत के जज साहब हैं उन्होंने मनमाने फैसले लिए और यह पूरी तरीके से गलत निर्णय था, इस वजह से उन्हें नोटिस जारी किया गया है। उन्हें जवाब देना होगा कि आपने इसी तरीके के सेम केस में अलग अलग फैसला क्यों दिया है। इसमें कहा गया है, न्यायमूर्ति भाटिया ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 205 और 317 दोनों ही मजिस्ट्रेट को जांच के चरण में या मुकदमे के दौरान व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने का अधिकार देती है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि इन प्रावधानों की उदारता पूर्वक व्याख्या की जानी चाहिए, जैसा कि शरीफ अहमद और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 2024 HCC ऑनलाइन SC 726 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में कहा गया है। अब जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों में जब बातें एक अलग फैसले के रूप में सामने आती हैं तो उसे ट्रायल कोर्ट एक इंस्टेंस के तौर पर लेकर आगे बढ़ सकता है, लेकिन ट्रायल कोर्ट के जज साहब के विचार कुछ और थे। हाई कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 205 या धारा 317 के तहत उपस्थिति से छूट देने की शक्ति का प्रयोग उदारता पूर्वक किया जाना चाहिए था, जैसा कि शरीफ अहमद सुप्रा के मामले में निर्णय के पैरा 47 में कहा गया है। और यहाँ जब दोनों केस को देखा गया तो यह अपने आप में अजीब लगा कि केस सेम है लेकिन यहाँ पर अलग अलग निर्णय लिए गए हैं। अदालत ने खान के आवेदन को निचली अदालत द्वारा खारिज किए जाने की आलोचना करते हुए कहा कि यह तर्क पूरी तरह से गलत और कानून के आदेश का के विपरीत था। इसने ट्रायल कोर्ट को नियमित तिथियों पर छूट देने के लिए एक नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया, जिसमें आरोप तय करने जैसी महत्वपूर्ण कार्यवाही के लिए आवेदक को बुलाने का प्रावधान हो। कि आखिर ट्रायल कोर्ट्स किस दिशा में काम कर रहे हैं, क्या उनके जजों पर भारी दबाव होता है? जबकि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ तो कह गए कि भाई आप लोग सही ढंग से फैसला कीजिए, जमानत देने की बात हो या फिर अगर छूट देने की बात हो तो जिन आधार को आप तय मानते हैं उस आधार पर ही आप इस पर फैसला ले सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर फिर भी दबाव दिखाई पड़ता है तो मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। कहा गया है कि महत्वपूर्ण रूप से न्यायमूर्ति भाटिया ने मजिस्ट्रेट के निर्णय लेने में असंगतता को उजागर किया। अदालत ने पाया कि इसी मजिस्ट्रेट ने 3 जून 2024 को एक अन्य मामले में आपराधिक मामला संख्या 1417/2018 में इसी तरह के आवेदन को स्वीकार किया था, जबकि 24 जून 2024 को खान की याचिका को खारिज कर दिया था। इसको लेकर बवाल बढ़ता चला गया। अब हाईकोर्ट के सामने जज साहब की घिग्गी बन सकती है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट पर अक्सर जो उनके जज होते हैं उन पर कार्रवाई की खबरें हाईकोर्ट से मिलती रहती हैं और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिसों ने कई बार ऐसे ट्रायल कोर्ट के जजों को निशाने पर लिया है जो मनमानी कर रहे हैं या घबराए हुए हैं या फिर फैसला देने में अपने विवेक का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए अब ईडी से जुड़े केस में जब जिला जज ने यानी मजिस्ट्रेट साहब ने भी जो अपना रवैया दिखाया है उससे हाईकोर्ट आहत है और हाईकोर्ट के जस्टिस मिस्टर भाटिया ने यहाँ सीधे सीधे कह दिया है
कि भाई अब हमें स्पष्टीकरण चाहिए कि आपने ऐसी हरकत क्यों की है। तो देखिए क्या होता है इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट अब आगे क्या इस जज साहब के साथ पेश आते हैं, क्या कोई सजा सुनाएंगे या फिर फटकार लगाएंगे आगे चलकर भी, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब के पीछे जो जड़ है वो ईडी है। ईडी का खौफ ही ऐसा है, क्या अदालत, क्या नेता, क्या विपक्ष, हर कोई अब इस भय में रहता है कि वो अपने मनमाने अधिकार का प्रयोग कर कहीं ना कहीं किसी को भी जेल में डालने की क्षमता रखते हैं। और फिर ट्रायल कोर्ट वाले अगर इस मामले में जमानत देने का हौसला दिखा भी दें तो जज न्याय बिंदु सिंह जैसी हालत होगी और फिर उनके फैसले पलट ही दिए जाएंगे, तो इस मामले में क्यों रिस्क लेंगे। तो तमाम ऐसे कारण हैं जो अब हाईकोर्ट के जज साहब समझेंगे कि निचले अदालत के जजों के साथ कैसे सलूक किया जाना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।